मैं ये करना चाहूंगी कि बखिदमत जनाब स्पीकर साहब एहतजाजन इस्तीफा है, अर्ज है कि जेरे दस्तखती यानी कि निगत और अगजई को मुख्तलिफ कायमा कमेटियों में बहैसियत मेंबर और कायमा कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर में बहैसियत चेयरपर्सन बनाया गया है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में किसी भी खातून मेंबर सूबाई असेंबली की मेंबर नहीं बनाया गया, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 20 सालों से मुख्तलिफ अदवार में मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। गुज़िश्ता साल आपने यानी कि स्पीकर की कुर्सी ने खवातीन बशमूल मेरे को शामिल किया, लेकिन हाल ही में जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं इनमें से दोबारा खवातीन को शामिल नहीं किया गया, जो कि सरासर खवातीन के साथ जुर्म के मुतरातिफ है। नए सूबाई काबीना में भी खवातीन की नुमाइंदगी ना होना भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में है, जो पूरे सूबे में बिलखसूस हमारे सूबे में और मुल्क में बिलअमूम एक रिवायत बन चुका है, जो खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती का मुतरातिफ है। लिहाजा मजकूरा तमाम अमूर को मद्देनजर रखते हुए मैं एहतजाजन तमाम कायमा कमेटियों की मेंबरशिप और कायमा कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर की चेयरपर्सन से मुस्तफी होती हूँ। नीज मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब की ऑनरेबल चेयर से कि मेरा नाम सूबाई असेंबली की वेबसाइट से कमेटियों की फहरिस्त से निकाला जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर, यही मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, यही मेरी बात थी जो मैंने आपके साथ गुजारिश की है कि मैं 20 साल से इसके लिए कोशिश कर रही थी कि और आपके तवसत से आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने दो खवातीन को शामिल किया, लेकिन अपोजिशन समेत मैं ट्रेजरी बेंचेस के लिए अफसोस का इजहार करती हूँ कि यहाँ पे अपोजिशन ने और ट्रेजरी बेंचेस ने जिस रवैये को खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किया इस पे एहतजाजन मैं इस पे वॉकआउट भी करती हूँ और अपना इस्तीफा भी आपके पास मैंने जमा करवा दिया हुआ है।